23 मार्च से स्वेज़ कैनाल में फंसे जहाज़ एवर गिवन को 29 मार्च की सुबह हाई टाइड्स और टग बोट्स की मदद से सीधा कर फ्लोट करने में कामयाबी मिली। इसके बाद इसे ग्रेट बिटर लेक में ले जाया गया, जहां इसकी जांच की गई। 400 मीटर लंबे इस जहाज के आकार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जहाज पर तकरीबन 2,00,000 टन किलो वजनी 20,000 कंटेनर्स लदे हैं। यदि इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से खाली किया जाता तो उसमें काफी दिन का समय लग जाता। एवर गिवन जहाज पर 25 भारतीय क्रू मेंबर भी हैं। यह जहाज ताइवान की एक कंपनी एवर ग्रीन मरीन का है, जिसे 2018 में बनाया गया। स्वेज़ कैनाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को लगभग 6,000 किलोमीटर तक कम कर देती है। यानी अगर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए दूसरे रूट, जो कि है केप ऑफ गुड होप से जाया जाए, तो तकरीबन 2 हफ्ते का अधिक समय लगेगा। जहाज के फंसने का कारण रेत के तूफान और तेज हवाओं को बताया जा रहा है। तेज हवाओं के कारण जहाज घूम गया। स्वेज़ कैनाल की चौड़ाई 300 मीटर है और एवर गिवन जहाज की जो लंबाई 400 मीटर है, जिस कारण ये जहाज इस प्रकार से कैनाल में फंस गया।